जैसा कि उनके बच्चे की ग्रोथ जो कि बहुत ही स्लो है, सूरह मरियम पढ़ने से ग्रोथ बहुत बेहतरीन हो जाती है। जिनका हमल ठहरने के बाद बार बार मिसकैरेज हो जाता है, उनका हमल अल्लाह के करम से और सूरह मरियम की रूहानी बरकात की बदौलत महफूज होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हमल में सूरह मरियम पढ़ने वाली ख्वातीन को कौन कौन सी रूहानी फैज़ो बरकात, फ़वाइद और करिश्मात हासिल होते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हर औरत की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर होता है जब वो हामिला होती है, और इस दौरान माँ की ही आदत बच्चे की शख्सियत का हिस्सा बनती है। इसलिए अगर कोई हामिला खातून ये चाहे कि उसका पैदा होने वाला बच्चा खूबसूरत, नेक सीरत, बेहतरीन हिकमत अमली का सरचश्मा बने, इसमें हालात का डट कर मुकाबला करने वाली रूहानी कुव्वत इरादी पैदा हो और वो अपनी बातों को मिठास से हर किसी के दिल में उतर जाए, तो हमल के दौरान सूरह मरियम की तिलावत करना कभी ना भूले। सूरह मरियम को अगर दौलतमंदी के लिए 7 दफ़ा पढ़े तो इंशाल्लाह बेशुमार दौलत पाएगा और पढ़ने वाले का हाफसा इस कदर बढ़ जाएगा कि जिस बात को एक मरतबा सुने कभी ना भूले। बीमार लिखकर पी ले तो शिफा पाए, इसके नक्श को लिखकर बाग के दरख्त पर बांधे तो इस साल बेशुमार फूल और फल आएंगे। इंशाल्लाह अगर कोई बीमार है तो 7 रोज़ तक लिखकर पिए तो तमाम अमराज से सेहत पाए। हमेशा पढ़ने वाला जन्नत में आला मकाम पाएगा। जो शख्स रोज़गार की तलाश में हो वो 7 बार सूरह मरियम को पढ़कर दुआ मांगे तो इंशाल्लाह रोज़गार मिल जाएगा। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन सूरह मरियम की तिलावत करती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसा कि उनके बच्चे की ग्रोथ जो कि बहुत ही स्लो है, सूरह मरियम पढ़ने से ग्रोथ बहुत बेहतरीन हो जाती है। जिनका हमल ठहरने के बाद बार बार मिसकैरेज हो जाता है, उनका हमल अल्लाह के करम से और सूरह मरियम की रूहानी बरकात की बदौलत महफूज होता है। जिन्हें यूरिन इन्फेक्शन था वो ठीक हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर रहता है तो इससे उन्हें शिफा मिल जाती है। जिन्हें डिप्रेशन रहता है उनका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। जिनके बच्चे के इर्द गिर्द एमनियोटिक फ्लूइड यानी पानी ज़्यादा हो जाता है, वो मसला सूरह मरियम के करिश्मात से हल हो जाता है। जिनका खून गाढ़ा हो जाता है, सूरह मरियम की बदौलत अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाता है। अलगर्ज़ जिस हामला खातून का जो भी मसला है, अल्लाह की रहमत से उसका वो मसला हल हो जाता है। हर किस्म की कॉम्प्लिकेशन से अल्लाह ताला की ज़ात माँ और बच्चा दोनों को महफूज रखता है और डिलीवरी में भी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा जिन हामला खवातीन को रूहानी मुश्किलात होती हैं, यानी उन पर जादू वगैरह का कोई मामला है, इस वजह से अपने बच्चे को लेकर उन्हें किसी भी किस्म के डर, खौफ, मुश्किल या परेशानी का सामना है, सूरह मरियम से उन्हें हर किस्म के जिस्मानी अमराज, रूहानी और नफ्सियाती अमराज से कामिल शिफा नसीब होती है। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हमल में जिन जिन मुश्किलात का सामना करती है, इंशाल्लाह सूरह मरियम की बदौलत अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें इन तमाम मुश्किलात से निजात अता फरमाए।